हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सरोज लोहान सरोहा एक बार फिर आपके सामने और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा नया टॉपिक है राजनीतिक विचारक जो है जीडीएच कोल। जीडीएच कोल के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, अलग अलग राजनीतिक चिंतकों के अलग अलग विचार रहे हैं, तो आज हम राज्य के संबंध में राजनीतिक विचारों की बात करेंगे, जीडीएच कोल के राजनीतिक विचार। तो देखिए, जीडीएच कोल इंग्लैंड से थे, तो उन्होंने इंग्लैंड की सोसाइटी का उनके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इस वजह से उनके जो भी विचार हैं, इंग्लैंड की जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार हैं। तो उनके राज्य के संबंध में जो विचार हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है बहुलवादी सिद्धांत। देखिए, वो प्लूरलिस्ट थे और वो मानते थे कि राज्य ही अपने आप में सर्वोपरि संस्था नहीं है। राज्य से अलग और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के संपर्क में आता है और राज्य उसके बाद संपर्क में आता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए इतना ही जरूरी है जितना कि अन्य संस्थाएं, और अन्य संस्थाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनके इन सिद्धांत को सामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद में बात करूंगी राज्य का स्वरूप। जीडीएच कोल ने राज्य के स्वरूप के बारे में बात की है, तो उन्होंने कहा कि राज्य का स्वरूप सर्वोपरि नहीं है, राज्य इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हम उन्हें मानते हैं। राज्य को हम पूरी पावर नहीं दे सकते, संपूर्ण शक्तियां नहीं दे सकते, राज्य संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। राज्य के साथ साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि राज्य। इसलिए राज्य व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इनफैक्ट व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य संस्थाओं का सदस्य भी बनना पड़ता है। उसके मैं बाद में बात करूंगी राज्य के कार्य संबंधी विचार। देखिए, जीडीएच कोल ने कहा कि राज्य के कार्य संबंधी विचारों में वो कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की काम करने की इच्छा खत्म होती है। राज्य के आर्थिक कार्यों में राज्य किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ना करे, इनफैक्ट व्यक्ति को खुला छोड़ दे, ताकि व्यक्ति अपनी इच्छा से सही तरीके से खुली स्वतंत्रता से काम कर सके। इसको हम लेसेस फेयर का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद में बात करूं कम्यून सिस्टम। तो जीडीएच कोल जी कम्यून प्रणाली के बहुत बड़े समर्थक थे, तो वो चाहते थे कि कम्यून प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर भी हो और स्टेट स्तर पर भी हो और लोकल लेवल पर भी हो। तो कम्यून प्रणाली का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है जो बहुत सारे संघर्ष के कारक हैं उनको नियंत्रित करने का काम है, और कम्यून को सारी सत्ता भी सौंप दी जानी चाहिए ताकि वो कानून और व्यवस्था को भी सही तरीके से नियंत्रित कर सके। तो इसलिए उन्होंने कम्यून प्रणाली का बहुत अधिक समर्थन किया है। उसके बाद में बात करूंगी समाजवाद संबंधी विचार। जीडीएच कोल देखिए फेबियनवादी थे, उन्होंने श्रेणी साम्यवाद की बात की है, उन्होंने गिल्ड सोशलिज्म की बात की है। तो वो कहते थे कि वो समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी संगठन की बात की है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर जब समाजवादी संगठन होगा तो उसके कार्य होंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता रक्षा करना, व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, व्यक्ति का जो लाइफस्टाइल है उसको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। तो इस तरह के बहुत अधिक जो भी इनके उद्देश्य हैं समाजवादी समाज के, व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना ताकि व्यक्ति राज्य में रहकर सभी अपने अधिकारों का उचित प्रयोग कर सके। तो इसी सब इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।